हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रकाश और टेक मॉनिटर्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हुआवे ने चाइना के अंदर अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया जिसका नाम है ऑनर 7C। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसके प्राइस के बारे में, और इसे हम कंपेयर करेंगे रेडमी 5 के साथ, और जब ये इंडिया में लॉन्च हो जाएगा तब क्या आपको इसे खरीदना चाहिए। तो ये सब कुछ जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और आगे चल के अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, ऑनर 7C में आपको मिलेगा मेटल यूनिबॉडी डिज़ाइन आपको यहाँ बिल्कुल वैसा ही मिलने वाला है जैसा कि फिलहाल आपने Honor 7X में देखा है। तो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन को लेकर यहाँ पे आपको Honor 7C के साथ किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेन नहीं होगी। दोस्तों, Honor 7C में सामने की तरफ आपको मिलेगा 5.99 इंच की स्क्रीन, 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ यह आएगा। 269 यहाँ पे इसकी पिक्सल डेंसिटी है, 720x1440 इसकी रेजोल्यूशन है, यानी कि आपको यहाँ पे HD प्लस रेजोल्यूशन मिलने वाला है। दोस्तों, ये 2.5D कर्व ग्लास के साथ आएगा, और यहाँ पे किसी भी तरह का प्रोटेक्शन दिया है या नहीं दिया है इसके बारे में यहाँ पे हुआवे ने कुछ भी नहीं बताया है। दोस्तों, परफॉर्मेंस के Honor 7C में दिया गया कॉलकॉम का स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर, ये एक ऑक्टोकोर प्रोसेसर है जो 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक करता है, और यह कॉर्टेक्स A53 आधारित प्रोसेसर है, और यहाँ पे गेमिंग के लिए दिया गया एड्रिनो का 506। तो यहाँ पे जो प्रोसेसर है कॉलकॉम का, ये काफी अच्छा प्रोसेसर है, और इसके स्क्रीन के रेजोल्यूशन के हिसाब से काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी मिल जाएगा, और आपको अच्छी बैटरी लाइफ भी इस स्मार्टफोन से मिल जाएगा। दोस्तों, अगर हम कैमरास के बारे में बात करें तो पीछे की तरफ आपको मिलता है डुअल कैमरा, 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का सेंसर। जो 2 मेगापिक्सल का सेंसर, ये एक डेप्थ सेंसिंग सेंसर है, और इससे आपको बिल्कुल वैसा ही परफॉर्मेंस मिलने वाला है जैसा परफॉर्मेंस फिलहाल आपने Honor 9 Lite में देखा है। और परफॉर्मेंस इसका यहाँ पे ठीक ठाक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बहुत ही कुछ कमाल का परफॉर्मेंस करने वाला है। 13 मेगापिक्सल का जो सेंसर है वो काफी अच्छे से परफॉर्म करेगा, लेकिन जो 2 मेगापिक्सल का सेंसर है उससे आप ज्यादा एक्सपेक्ट यहाँ पे मत करिए। सामने की तरफ आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, और यहाँ पे LED फ्लैश भी दिया गया है। दोस्तों, Honor 7C में 3000mAh की बैटरी दी गई है, माइक्रो USB 2.0 के साथ ये आएगा, जो कि थोड़ी डिसअपॉइंटिंग बात है यहाँ पे। दोस्तों, अगर हम सेंसर के बारे में बात करते हैं, इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी और कंपास सेंसर मिल जाएगा। जायरोस्कोप इसमें अभी है नहीं है, इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन फिलहाल हमारे पास नहीं है। दोस्तों, Honor 7C आउट ऑफ बॉक्स आएगा एंड्रॉइड ओरियो के साथ, जिसके ऊपर हुआवे का कस्टम UI दिया गया जो है EMUI 8.0, जिसमें काफी सारे आपको एडिशनल फीचर्स मिल जाएगा। दोस्तों, Honor 7C 4 कलर ऑप्शन में आने वाला, ब्लैक, रेड, गोल्ड और ब्लू। और यहाँ पे अगर हम बात करें रैम और स्टोरेज की, तो ये स्मार्टफोन 2 वेरिएंट में आ सकता है, 3GB के रैम और 32GB की स्टोरेज, जिसकी प्राइस करीब 9,200 रुपये होने वाली है। और दूसरे वेरिएंट में आपको मिलेगा 4GB की रैम और 64GB की स्टोरेज, जिसकी प्राइस करीब 13,000 रुपये होने वाली है। तो ये तो दोस्तों कंप्लीट पैकेज जो Honor 7C ऑफर करता है, और अगर हम इसे Xiaomi के Redmi 5 के साथ कंपेयर करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको एक ही प्रोसेसर मिलता है जो है स्नैपड्रैगन 450, यानी कि परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको दोनों ही स्मार्टफोन से एक ही जैसा मिलने वाला है। स्क्रीन साइज यहाँ पे Honor 7C की थोड़ी बड़ी होने वाली है, 5.99 इंच, वहीं पे आपको Redmi 5 में 5.7 इंच का स्क्रीन मिलता है। और अगर हम बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो यहाँ पे Redmi 5 से आपको थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया 3300mAh की बैटरी, और वहीं पे Honor 7C में दिया गया 3000mAh की बैटरी। दोस्तों, अगर हम कैमरास को कंपेयर करें तो Redmi 5 में पीछे की तरफ दिया गया 12 मेगापिक्सल का सेंसर, और यहाँ पे 7C में आपको मिलता है डुअल कैमरा, जहाँ पे आपको दिया गया 13+2 मेगापिक्सल कैमरा। तो कैमरा परफॉर्मेंस आपको दोनों स्मार्टफोन से एक ही जैसा मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे Honor 7C में आपको डुअल कैमरा मिलता है, तो थोड़ा स्लाइटली एज यहाँ पे 7C को मिल जाता है। सेल्फी कैमरा के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी Honor 7C थोड़ा लीड लेता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, और Redmi 5 में दिया गया 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और Honor 7C के आप दोनों ही फ्रंट और रेयर कैमरा से आप पोर्ट्रेट मोड के फोटोज खींच सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे दोनों के स्पेसिफिकेशन साइड बाय साइड अगर आप कंपेयर करेंगे, तो ओवरऑल आपको एक जैसा ही स्पेसिफिकेशन मिलने वाला है, और 10,000 के प्राइस ब्रैकेट में दोनों स्मार्टफोन काफी अच्छे हैं, काफी दमदार है। अभी Honor 7C में जो दूसरा वेरिएंट है, जिसमें आपको मिलता है 4GB की रैम और 64GB की स्टोरेज, जिसकी प्राइस करीब 13,000 है, तो ये कंप्लीटली आउट ऑफ कॉम्पिटिशन यहाँ पे हो जाता है, और उसे मैं उतना रिकमेंड भी नहीं करूँगा। लेकिन ये जो इनका जो बेस वेरिएंट है, जिसमें आपको मिलता है 3GB की रैम और 32GB की स्टोरेज, ये काफ़ी हद तक Redmi 5 को टक्कर दे सकता है, और ये दोनों स्मार्टफोन अपनी अपनी जगह पर काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन है। तो यहाँ पे
पे चॉइस आपका बनता है कि आपको यहाँ पे Xiaomi के फोन्स पसंद है या फिर आपको यहाँ पे Huawei के फोन्स पसंद है। दोस्तों Honor 7 से इंडिया में फिलहाल कब लॉन्च होगा इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जब भी ये लॉन्च होगा तो ऐसे में मैं यहाँ पे आपको जो 9000 रुपये वाला जो वेरियंट है यहाँ पे इसे ही मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। तो आज के इस वीडियो में इतना है दोस्तों। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो का लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो उसे आप कमेंट करिए, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।